क्लास 12वीं के स्टूडेंट आप स्वागत है एक और धोखा दौड़ में। फाइनली आपके यहाँ पर कक्षा 12वीं के हिंदी पेपर आ चुका जो कि आपके यहाँ पर एक घंटे पहले लीक हो चुका, तो मैं सोचा कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर देता हूँ जिससे उनके यहाँ पर हिंदी पेपर। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छे नंबर आ सके। और साथ ही स्टूडेंट आपने अभी तक यहाँ पर कुछ भी याद नहीं किया, कुछ भी आपने अभी तक नहीं पढ़ा, तो इस पर पूरा आपको याद कर लेना। मैं आपका यहाँ पर हेल्थ से पूरा पेपर कराने वाला हूँ, तो जो आपका यहाँ पर 80 नंबर पूरा किया आपके 80 में यहाँ 75 नंबर आने वाले हैं सिर्फ इस पेपर को याद करने के बाद। तो यहाँ पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा रट ले जाना, ठीक है स्टूडेंट। तो यही पेपर आपका आने वाला है, तो मैं आपको यहाँ पर मैंने पूरा आपका हल करके रखा हुआ, तो मैं आपका पूरा संपूर्ण हल सहित कराने वाला पेपर, तो पूरे आपको ऑब्जेक्ट रट लेने, क्वेश्चन रट लेने, यही पेपर आपको आने वाला है। अगर आप यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पेपर पूरे याद कर लेते हैं तो समझ लो आपके यहाँ पर 80-75 नंबर आने वाले, मैं आपको यहाँ पर सब गारंटी देता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही आप जो है कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर गणित का पेपर होने वाला है आगे चल के, यानी आपका आपका गणित का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, तो मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश और गणित इस चैनल पर अपलोड कराने वाला हूँ। आप जो है कर लीजिए, घंटी वोट प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर हम देख लेते हैं आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर कक्षा 12वीं 23 बच्चा 22-23 समय आपका 3 घंटे का, आपको प्रश्न की संख्या 23 रहने वाली है, और आपके यहाँ पर निर्देश आते प्रश्न के मांग 1-5 तक वस्तु प्रश्न होंगे, और सही बात 6 अंक, और यहाँ पर 7 अंक सही जुड़ी 6 अंक, और 7 अंक और 7-6 अंक संबंधित प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए, तो यहाँ पर नरेश पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ ही आप यहाँ चैनल से कर लीजिए, तो हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपके पास टाइम बचा भी नहीं है। तो चलिए जो आपका पेपर है हम यहाँ पे हिंदी का देख लेते हैं, तो पूरा हम यहाँ पर संपूर्ण हेल्थ पेपर आपका देखने वाले हैं। तो पहले आपके सही आधे 6 नंबर आदमी का सबसे लोकप्रिय विधा है, तो इसका आपका यहाँ पर कहानी हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन पढ़ के दिखा रहा हूँ, पूरा सीधा आंसर बता रहा हूँ, जिससे आपको यहाँ पर डायरेक्ट यानी आंसर याद होना चाहिए और आपका टाइम भी बचेगा। तो आप आराम से देखिए, अगर आप स्किप करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला है, तो ध्यान से देखिए। और दूसरा था खड़ी बोली गद्य का परिणाम किस युग से माना जाता है, तो यहाँ भारतीय युग हो जाएगा। और चौका लिपा जाता है, तो यहाँ पर राक्षस लिपा जाता है, आपको तीसरे का शाह हो जाएगा। और चौथा भक्ति कहाँ की रहने वाली थी, झांसी की, झुंझुनू की, झुंझुनू की और झालावाड़ की, तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा झांसी की। पांचवा आता है ऊंचे बजा का निमंत्रण कैसे होता है, आकर्षण होता है, मूक होता है, बाचर होता है, भयंकर, तो यहाँ पर ऊंचे बजा का निमंत्रण मूक होता है। और छठवां आता है कविता कवि कैसे संचाल ये प्रथा यथार्थ का आदर्श का सौ प्रेरकों का सत्य का, तो यहाँ पर आपका आता बजा कविता कवि यहाँ पर यथार्थ का संचाल ये फिरता है। तो मैंने आपको 6 करा दी, फिर से देख लीजिए। पहले मैं आपका कहानी गाड़ी यहाँ पर खड़ी बड़ी गद्य प्रणाम किसी को माना जाता है, भारतीय दीप चौकाली बजा था राग से, भक्ति कहाँ की जाने वाली थी झांसी की, ऊंचे बजा का निमंत्रण कैसे होता है मूक से, और यहाँ पर आत्म प्रजा का विधान कवि क्या संसार लिए फिरता है, तो यहाँ पर यथार्थ का। फिर आपके रेगिस्तान आते हैं, तो रेगिस्तान 7 नंबर के पहला था नीरजा की रचनाकार महादेव वर्मा, तो पहले में आपको महादेव वर्मा होने वाला है, आपके दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं पेपर में। और दूसरा था कुंवर नारायण, यहाँ पर कालजई, कुंवर नारायण कालजई प्रबंध काव्य रचना का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की है। और मैं डॉक्टर मोजों पर मस्त बाहर करता हूँ, तो मैं भाव मोजों पर मस्त बाहर करता हूँ, तो इसका भाव हो जाएगा। और चौथा रस के यहाँ पर अंग है, तो रस के यहाँ पर 4 अंग है, तो आपको इसमें 4 होने वाला, पहले में महादेव वर्मा, दूसरे में कालजई, तीसरे में भाव, और चौथे में आपको 4 होने वाला, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीन उठा लीजिए। अब चलिए आप 5वां देख लेते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बचा नहीं, तो इसलिए हम जल्दी पेपर दिख रहे हैं, और कभी के कई बच्चन का ध्यान नहीं करते, तो यहाँ जग का ध्यान नहीं करते, 4 बजे का समय तक मना गया, तो यहाँ पर 1920 है 1936 तक, और कब सभी कहा जाता है, तो अलंकार को कहा जाता है। यह आपकी मैंने करा दी यहाँ पर रेगिस्तान पूरी संपूर्ण सहित। फिर आपकी छोटी आती गुलाम आओबामा की प्रधानता, हरिवंश राव बच्चन, एक गीत हो जाएगी, नई कविता आनंद यादव विश्वास में करने वाली, और अर्थ के आधार पर बाकी प्रकार 8 होते हैं, इसे आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसे मानव ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं विडम्बना, और भक्ति की ईसाई बुद्धि, तो भक्ति की ईसाई बुद्धि आपके यहाँ पर हो जाएगा जूझ। तो ये आपके मैंने करा दी यहाँ पर सहयोगी करा दी आपके यहाँ पर संपूर्ण सहित। तो वीडियो को लाइक कर दी, साथ चैनल को सही कर लेना आपको। फिर आपके यहाँ पर सत्य वाक्य उच्चारण कीजिए, 6 नंबर के आते हैं, आधुनिक हिंदी कविता का प्रणाम 1920 से माना जाता है। तो आपको इसमें क्या करना है स्टूडेंट, ये आपके यहाँ पर पहले सत्य होने वाला, पहला आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके यहाँ पर आंसर है पूर्ण देखने वाले हैं, पहला आपका यहाँ पर सत्य होने वाला, फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता बाजार का जादू वहाँ की राह काम नहीं करता, ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा आता सूर्य होने पर उसका जादू टूटता है, तो ये सत्य रहेगा। और चौथा आता सुधा बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटरीट तक स्कूल से आते जाते थे, आपका असत्य होने वाला असत्य। और यहाँ पर आता पाँचवा अंधेरी नगरी खंडकाव्य, तो यहाँ पर जो अंधेरी नगरी है वो आपके यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा क्योंकि खंडकाव्य नहीं है। और यहाँ पर छठवां आता बच्चे झगड़ा हुई, आपको सत्य हो जाएगा। तो पहला आपका यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, पहला आपका यहाँ पर सत्य, यहाँ पर पहला सत्य, दूसरा आपका यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा, तीसरा सत्य, और चौथा आपका असत्य, पांचवा था, तो छठवां सत्य, ये आपको सत्य असत्य करा दिए हैं यहाँ पर देख लीजिए। पूरे डट के जाना आपको ये पेपर पेपर देने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ। और आपके यहाँ पर एक सत्य वाक्य उत्तर आते हैं जो कि आपके यहाँ पर आते हैं 7 नंबर के।
पहला था आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखित, तो जो यहाँ पर आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम होने वाला है तो उसका आंसर में आपको यहाँ भारतेंदु युग होने वाला, पहले में आपको भारतेंदु युग हो जाएगा। और यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक डायरी का नाम लिखिए, तो आपके इसका यहाँ पर मधुशिला हो जाएगा, दूसरे में आपका मधुशिला होने वाला है, लिख लीजिए। और तीसरा था भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, भक्तिन का वास्तविक नाम यहाँ पर लक्ष्मण होने वाला, लक्ष्मण। और चौथा आता आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण दीजिए, तो इसका आपका यहाँ पर आंसर होगा बाजार से सब्जी लेके आओ, ये आपका आज्ञावाचक वाक्य का यहाँ पर उदाहरण है। और जनसंचार किया तो जनसंचार का आपका यहाँ पर अर्थ हो जाएगा चलाना और या संचरण, ये आपका यहाँ पर जनसंचार हो जाएगा, उसी भी यहाँ दो ही शब्द लिखने। और यहाँ पर आपके मैंने पाँच करा दिए, आपको सात नंबर के तो दो और हम यहाँ पर देख लेते हैं, हम आपका देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर स्टूडेंट पूरा पेपर आपको देखना है, यहाँ पर छः आपका यहाँ पर आता कवि मुख्य कविता का जन्म कब हुआ, तो इसका आपका यहाँ पर आंसर होने वाला 1815 में। और यहाँ पर संघर्ष का इस्तेमाल लिखिए तो इसका आपका रति हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपकी सत का सोल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका सत्ता सत का सोल्यूशन और ये आपका यहाँ पर एक सत वाक्य होता सोल्यूशन, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीन जो गाली में स्क्रीन दिखा रहा हूँ जिससे आप पूरे रट लेना आपको। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके क्षमा क्वेश्चन आता, शीतल वाणी में आग्रह होने से क्या अभिप्राय अथवा भाषा की सविलियत बरतने से क्या अभिप्राय है। दो नंबर क्वेश्चन है सात माता पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है, तो स्टूडेंट आपके मैंने ऑब्जेक्ट सोशल सोल्यूशन करा दिया, जो क्वेश्चन आते हैं तो हम इसके सोल्यूशन देखने वाले हैं, आप पूरे पेपर देखिए। अथवा था इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक अर्थ के माने क्या है। आठ माता भक्ति का जाने से माधी ब्रह्मा विद्यार्थी हो गई, दो नंबर का। अथवा था बजाय जल उचारने उतरने पर मनुष्य क्या क्या पड़ता है। और नौ माता जग जीवन के बाहर से कभी क्या क्या आशा है। अथवा था इसे चरित्र की विशेषता लिखिए। और पत्रकारिता किसे कहते हैं, दो नंबर का। अथवा था नाटक के तत्व लिखते संवाद को समझाइए। और निपात की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए, दो नंबर का। अथवा था मैसेज वाक्य किसे कहते हैं लिखिए। मैं आपको इसलिए यहाँ पर जल्दी बता रहा क्योंकि आपके पास जान टाइम बचा नहीं है, तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर याद भी करना है, तो यहाँ पर ठीक है स्टूडेंट। और बार निर्देशन वाक्य का निर्माण कीजिए, तो आपको यहाँ पर पहला आपका आता सुधार होने पर यहाँ पर अंधकार जाता रहा, तो आपको संयुक्त वाक्य में चेंज करना है। और दूसरा बात आता प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है, सरल वाक्य में आपको इसको यहाँ पर रूपांतरण करना है। अब जब बार में करा दिया तो इसके पहले तो इस पेज का पूरा स्क्रीन कर लीजिए। अब चलिए हम बारहवीं का जो आपको यहाँ पर अथवा वो लिख लेते हैं, तो आपको बारहवीं का अथवा निम्नलिखित मुहावरों का लिखकर लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए, यहाँ पर अंगत की पैर होना अंगूठा दिखाना। और बीरस का बीरस की परिमाण उदाहरण से लिखिए। अथवा था माँ काव्य अखंड का में दो अंतर लिखते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। और भारतेंद्र की व्यवस्था लिखी, दो नंबर का। अथवा था छावत की दुविधान लिखिए, ये आपका चंद्र क्वेश्चन है। पंद्रवा था रीतिका को संघर्ष क्यों का लिखिए। और अथवा था कहानी उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए, दो नंबर क्वेश्चन है। तो ये आप यहाँ पर हर पेज का पूरा अच्छी तरह से हर क्वेश्चन का स्क्रीन उठा दीजिए जिससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन की याद करने में आसानी जाएगी। और सोनमा था कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की कव्य विशेषता लिखिए, तो आपको दुराचार लिखना, भावच लिखना, कलापच लिखना, ठीक है स्टूडेंट। अथवा लगा तो दोनों में से आपको एक पे करना है, दोनों पर मत नहीं करना, एक पे करना है, तीन नंबर का। और सत्रहवां क्वेश्चन था महादेव वर्मा अथवा जयंत कुमार की कव्यगत विशेषता लिखिए, तो आप देखते महादेव वर्मा अथवा लगाया बीच में, तो दोनों में से आपको एक पे करना, दुराचार लिखना, भाषा लिखना, शैली लिखने, तीन नंबर का। और फिर आपका आपटी गद्दा आता है तो ये आपके फ्री के नंबर आते हैं, तीन नंबर, क्योंकि जो इसके आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन के सब कुछ मिल जाते हैं। आपका दिया स्वच्छता हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग है, स्वच्छ शरीर से स्वच्छ आत्मा का विकास निवास होता है, स्वच्छता का संबंध स्वस्थ रहने से ही है, हमारा नारा है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत स्वच्छता घर की ही नहीं वरन आसपास के परिवेश की भी आवश्यक होती है, ये आपका यहाँ पर आपटी गद्दा दिया है। तो इसके क्वेश्चन आते हैं आप उपयुक्त गद्दांश का उचित सीधा लिखिए, तो इसका जो आपका सीधा हो जाएगा वो आपका यहाँ पर स्वच्छता होने वाला, क्योंकि आपका स्वच्छता के बारे में पूरा दिया जाए यहाँ पर आपकी गद्दांश। और जो स्वच्छता अभियान की कामयाबी के लिए क्या हो सके, इसका आंसर आपके से मिल जाएगा, और लघु का विलोम गद्दांश में से लिखिए, तो मैंने आपको पहले बता दिया पूरे आंसर आपके से मिल जाएगा, वो खुद बोल रहा है यहाँ पर लघु का विलोम आपका गद्दांश में से लिखना है। तो आपका मैंने आपकी गद्दांश करा दिया अठारहवीं का, तो अठारहवीं का तो आप यहाँ पर अठारहवीं का तो अभी देख लेते हैं, तो जो कि आपका काव्यांश है, तो इसे आपको पूरा यहाँ पर पढ़ लेना, गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बरगहरा, चिति जल न पर डाल हडोला, चरण चरण संचरण सुनहरा, और ओरियों के बेस प्यारे भारत देश। तो ये आपके यहाँ पर दिया जाए यहाँ पर काव्यांश, तो आप काव्यांश सीधा लिखिए, और आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं और उस काव्यांश का भावार्थ लिखिए। तो ठीक है आपके प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, और यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, फिर आपके यहाँ पर आता है 19वां क्वेश्चन, भावपालन कीजिए, तो आप देखते हैं इसे किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता, तो इसका आपको यानी भावपालन का मतलब होता है अर्थ, तो इसका आपको अर्थ लिखना इस वाली लेने का। अथवा स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका विषय पर अनुच्छेद लिखिए, तो आपको यहाँ पर स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका पर अनुच्छेद लिखना, यह आपको 19वीं का अथवा। और 20वां आता आपको इसमें यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना, मैंने उद्धार लिए फिरता हूँ, मैंने उपहार लिए फिरता हूँ, या पूर्ण संचार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संचार लिए फिरता हूँ। तो ये आपका चंद नंबर का, इसका अथवा देख लीजिए, ये इसका अथवा देख लीजिए, असारी मुश्किल हो धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खेलने के बजाय
उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। तो इस तरह से दिया है, आपको संदर्भ में आपका कवि का नाम जरूर लिखना, ठीक है। चार नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर अथवा था सॉरी स्टूडेंट, 21वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रश्न। अभी आपके अब यहाँ पर गद्यांश आते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सा रखता भी वही मनुष्य देता जो जानता है कि वह क्या चाहता है। तो ये आपका दिया यहाँ पे 21वां, तो इसे देख लीजिए, आपको यहाँ पर संदर्भ प्रश्न व्याख्या करना है और इसका अथवा देख लेते हैं। तो इसका आपका यहाँ पर अथवा था जो कभी अनासक्त नहीं कर सका, जो यहाँ फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए किराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। तो इसका आपको संदर्भ प्रश्न व्याख्या करना। और 22वां था सचिव माध्यम शिक्षा मंडल माध्यमिक भोपाल को कक्षा 12वीं की अनुसूची की द्वितीय प्रति भेजने के संदर्भ में आपको यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना अथवा देख लीजिए अपने मित्र को बाद विवाद प्रति तो प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिखिए। और 23वां था किसी विषय पर आपको निबंध लिखना, वृक्षारोपण समय का महत्व विज्ञापन बढ़ाता अभिशाप विद्यार्थी जीवन और खेल। तो स्टूडेंट अगर आपने कक्षा 12वीं की स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर निबंध तो आराम से बनना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर निबंध जो यहाँ पर याद करने की कोई चीज़ नहीं है, आपके पास यहाँ पर इतना दिमाग आ चुका है, इतनी समझ आ चुकी है कि आप निबंध यहाँ पर अपने मन से खुद लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निबंध तो आपके यहाँ पर यानी कुछ याद करने की चीज़ भी नहीं रहती है। तो जो आपका यहाँ पर देखते हैं आपके जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो मैंने आपका पूरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट सोचा करा दिया, यहाँ पर पूरा आपका ऑब्जेक्ट सोचा हो चुका है। जो आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर 6वां क्वेश्चन से लेकर आपके यहाँ पर 23वां क्वेश्चन तक का सोल्यूशन आपका यहाँ पर आधे घंटे बाद आने वाला, तो जल्दी से आप चैनल सही कर लीजिए, घंटे वाले प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सोल्यूशन के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।